हे गाइस, वी आर बैक विद अनदर व्लॉग। तो फाइनली इतने दिनों बाद हम जा रहे हैं स्टेरॉइड पे। बस मैं एक बार पहले गया था स्टेरॉइड पे, आज जाके देखते हैं कैसा लगता है। स्टे ट्यून। पिछली बार मैं गया था गुड़गांव तो बढ़िया था, अब देखते हैं आज ओखला जाना है कैसा रहता है। मैं सबको बताऊँगा कि क्या होता है क्या नहीं, क्योंकि पिछली बार तो थोड़ा जल्दी में था, इस बार प्रॉपर जाएंगे हम लोग, कैसे करना है सब कुछ बताऊँगा, मज़ा आएगा पूरी वीडियो। बैक पैक रेडी, लैपटॉप। हे गाइस, अभी जस्ट पंजाबी बाग पहुँचा हूँ मैं। पंजाबी बाग पिरागड़ी से बैठा था, पंजाबी बाग आया हूँ मैं जस्ट अभी। थोड़ी सी एक्साइटमेंट हो रही है, पहला दिन है मतलब स्टेरॉइड पे जाने का, और मैं शायद अकेला, एक और जा रहा है मेरे साथ आर्टिकल, बट वो भी मतलब न्यू आर्टिकल ही है और मैं भी नया ही हूँ, तो हम दोनों को इतना कुछ आता नहीं है और फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। मज़ा आएगा, मतलब कुछ नई चीज़ें एक्सपेरिमेंट करने को मिल रही हैं स्टेरॉइड पे, क्योंकि पिछली बार जब गए थे ना स्टेरॉइड पे तो इतना टाइम नहीं था बहुत। इस बार प्रॉपर देखता हूँ कैसे कैसे क्या होता है और तुम्हें बताऊँगा। तुम बहुत दिनों से पूछ रहे थे ना कि भाई ओइट में क्या होता है, ओइट में क्या होता है, कब जाओगे ओइट पे, तो भाई अब फाइनली जा रहे हैं, देखते हैं क्या होता है, मज़ा आएगा पूरी वीडियो देखना। स्टेट शायद ना अब ओइट पे जाना पड़ेगा, काफ़ी सारी होंगी। अभी तो हम एक जगह जा रहे हैं दो लोग, देखते हैं बाकी का क्या होता है और कितने दिन के लिए जाना है पता नहीं है। सर ने बस बोला अभी कल निकलना था तो मैसेज आया था कल ही, बस निकल गए हैं, देखते हैं क्या होता है, बताऊँगा तुम्हें जो भी होगा। पूरी वीडियो देखना क्या क्या मैं करता हूँ, कैसे कैसे करता हूँ सब कुछ। लाजपत नगर आने वाला है भाई, लाजपत नगर आ गए हैं। और यहाँ मेट्रो कितनी खाली है, ग्रीन लाइन पे पूरी भीड़ ही भीड़ होती है। और लाजपत नगर से चेंज करेंगे फिर आगे जाएंगे, देखते हैं, अभी चेक करता हूँ ऐप्स में। ओखला जाना है हमें, देखते हैं मज़ा आएगा। मैं तो एक्साइटमेंट हो गई थोड़ी सी, मैं तो क्लाइंट से भी बात करूँगा जाके एक बार, पहले इन्फॉर्म तो कर दो हम आ रहे हैं। तो जब बहुत ज़्यादा ही भीड़ हो रही है, कालका जी मंदिर तक जाना है हमें, बहुत ज़्यादा ही भीड़ हो रही है, देखते हैं चढ़ते हैं मेट्रो पर। जी मंदिर आ गए मेट्रो स्टेशन, अब यहाँ से सिर्फ एक मेट्रो स्टेशन चेंज करना है, पर पैदल चलना है, 10-5 मिनट लग रहा है मेरे को, दिखा रहा है। फिर वहाँ जाके ओखला पहुँचेंगे, फिर वहाँ से करते हैं ऑटो, पहुँचते हैं क्लाइंट प्लेस, बात भी करनी पड़ेगी क्लाइंट से ही बात करूँगा। दूर की मेट्रो रखते हैं लोग, इतना पैदल चलना पड़ रहा है, मैं थक गया पैदल चलते चलते। अभी और नीचे जाना है भाई साहब, नीचे कन्फ्यूजिंग है यार, मैं वापस से ऊपर चला गया, दिमाग खराब हो गया, मैं कहता सेम लोकेशन पर आ गया, अब आए हैं इधर, इसी में जाना है। फाइनली क्लाइंट प्लेस पे, यहीं पर ये क्लाइंट प्लेस ओखला फेज 3। सुमन आ रही है, उसका वेट कर रहे हैं, फिर अंदर ही जाता हूँ मैं, देखता हूँ मैं भाई यहाँ की ओखला इंडस्ट्रियल एरिया फेज 3, इसके अंदर जाना है हमें भी, फर्स्ट फ्लोर पे जाके देखते हैं अभी, जब तक मैं जाता हूँ। गाइस आ गए हम क्लाइंट प्लेस पर। वैसे ही अरे भाई मैं सोच रहा था ना स्टेट ऑडिट है, स्टेट ऑडिट नहीं है, हमें इंटरनल ऑडिट करने आना था, थोड़ी सी कन्फ्यूज़न होगी मेरे को, मतलब अभी मैंने पढ़ा सारा, तो इंटरनल ऑडिट करनी है हमें, देखते हैं कैसे क्या होता है। पिछले सालों का रेफरेंस देख के करूँगा थोड़ा बहुत, बाकी बताऊँगा तुम देखना, स्टे ट्यून, मज़ा आएगा। बैठे हुए हैं अभी, अंदर मीटिंग चल रही है, एक्सेस लेना है हम लोगों को उसका, क्या बोलते हैं टैली का, सब डाटा का एक्सेस लेंगे, देखते हैं क्या होता है। भाई बाहर आ गए फिर से हम, अभी अंदर एक मीटिंग चल रही है, तो स्पेस हम जहाँ बैठेंगे ना वो स्पेस बना रहे हैं, थोड़ा टाइम लगेगा इसलिए थोड़ा बाहर आ गए घूमने। बाकी डिस्कस कर रहे थे कैसे कैसे काम करती है कंपनी, क्या इनके जो क्लाइंट्स वगैरह हैं, किन के साथ मतलब कॉरपोरेशन में हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि इंटरनल ऑडिट में तो ये सब जाना पड़ेगा डिटेल में, और इंटरनल ऑडिट में पहली बार ही आए हूँ, मतलब फर्स्ट टाइम इंटरनल ऑडिट है, देखते हैं कैसा लगता है। कहते हैं हम पार्क साइड में अभी, जब तक उधर लंच के बाद ही होगा काम, मुझे लग रहा है स्टार्ट, अभी लंच तक हम थोड़ा बाहर आ गए, ठीक है पार्क भी है सामने, रास्ता ना भूल जाए हम लोग वापस वहाँ जाने का। गाइस अब लंच का टाइम हो गया है, लंच करेंगे उसके बाद करेंगे काम स्टार्ट। ये अपना खाना आ गया, खाना खाते हैं और यहाँ बैठ के काम होगा हमारा, कैसा लग रहा है तुम लोगों को? लंच करते हैं गाइस, उसके बाद करते हैं काम। लंच ऑलमोस्ट डन हो गया हमारा, ऑलमोस्ट का डन ही हो गया है, अब थोड़ा सा वॉक करके चलते हैं काम करते हैं, क्योंकि लंच से पहले तो मीटिंग चल रही थी, हम आए तो बैठे हुए थे, तो मैनेजमेंट डिस्कस कर रहे थे पहले कैसे हुई थी कैसे क्या, सब कुछ डिस्कस करा, इंटरनल ऑडिट है तो वो सब चीज़ डिस्कस करी, पहले आदर्श सर ने करी थी ना हमारे यहाँ, तो वही सब था। फिर मैनेजमेंट की मीटिंग ख़त्म हुई है अभी, तो रूम खाली हुआ है, अब वहाँ जाके बैठे हैं, लंच वंच करा है, अब देखते हैं कैसे काम करना है, कहाँ से स्टार्ट करनी है, कैश ट्रांजेक्शन ये सब भी देखना है हमें, सारा कुछ करना है, लाइन वाइज लाइन करेंगे।
पिछले साल का रेफरेंस लेंगे, उसके बाद उसी हिसाब से करते रहेंगे हम। बस चलते हैं गाइस, काम करेंगे स्टार्ट। लंच हो गया डन, अब जाएंगे ऑफिस, देखते हैं क्या होता है। बाकी मज़ा आ रहा है, मतलब मेरे को यहाँ लोकेशन अच्छी लग रही है, इतनी बेकार नहीं है जितना मैं सोच रहा था ना, उससे बहुत अच्छा है। यहाँ पे इन्वायरमेंट अच्छा है यार, ये भी सही है। किस चीज़ की बिल्डिंग है पता नहीं, किस चीज़ की है। यहाँ पे भी कोई ऑफिस है किसी चीज़ का, इसकी ऑडिट होनी चाहिए हमारे पे लेगेसी की, है नहीं भाई। हम लोग वाउचिंग कर रहे थे और इसकी वाउचिंग इतनी अजीब है ना, मतलब जिस कंपनी पे हम काम कर रहे हैं ना, मैं क्या बताऊँ। अभी मैंने 1.5 घंटे मैनेजमेंट से बात करी है मैंने, और इसने दिमाग ख़राब हो गया। दिमाग मतलब इनके पास ना टैली सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं करते, इनका अपना सॉफ्टवेयर है, और इनका अपना सॉफ्टवेयर वो इतना कॉम्प्लिकेटेड है, फिर ना सर में दर्द हो गया बिल्कुल ही। और मतलब ये थोड़ा जॉब उस पर काम करते, जॉब कार्ड के उस पर, पता नहीं क्या सेल इधर परचेज इधर का बिजनेस। हाँ मतलब थोड़ा सा ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड था दिमाग सिस्टम, इतना दिमाग ख़राब हो चुका है, देख के इसको करेंगे अभी इसका भी कुछ। ठंडी पे गर्मी लग रही है, सच में ठंड हो रही है, गर्मी लग रही है, दिमाग ख़राब हो गया है। गाइस 5:30 बज गए हैं, अब जा रहे हैं घर। और भाई इंटरनल ऑडिट में थे हम, इस कंपनी के इंटरनल ऑडिट थे ना, वो उसमें डील करती है, मतलब एक तरह से ना वो मीडिएटर की तरह काम करते हैं। वो ना कोरियर की ट्रांसपोर्ट, मतलब कोरियर की सर्विस लेते हैं और आके बेचते हैं, शिपमेंट वगैरह होता है ना कंटेनर उसमें। तो भाई उनकी जो सिस्टम था ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड था। हुआ ये मतलब जिस पर हम काम कर रहे थे ना सॉफ्टवेयर पे, इनका सॉफ्टवेयर अपना था, तो इनका सॉफ्टवेयर बहुत अलग था, मतलब उसमें ना टैली की तरह सिस्टमैटिक डाटा नहीं आता, बहुत अलग तरीके से डाटा आ रहा था। और इनके बिजनेसिस अलग अलग कुछ थे, तो एक बिजनेस को चेक कर रहे थे, बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चेक करना उसमें भाई, पहले समझने में या आज का पूरा दिन लग गया। अब कल से उसमें करेंगे, उसकी पूरी सिस्टम पूरा अलग सा है। मतलब उसमें पहले ये देखो, एक साथ सेल परचेज, मतलब ये पहले बुक करते हैं किसी और से, फिर किसी और को बुक करते हैं, ये मतलब बताऊंगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है बहुत ज़्यादा ही। अभी कालका जी मंदिर आने वाला है, यहाँ से चेंज करते हैं फिर से। तो पहले मैं भटक गया था पता है, मैं गलत जगह पहुँच गया। मैं देखा ये तो नेहरू इनक्लेव है, नेहरू प्लेलिस्ट दोनों अलग अलग थे ना, मतलब मैं कन्फ्यूज़ हो गया, मैं कहीं और पहुँच गया। अब सही आया हूँ, अभी मैं कालका जी मंदिर से चेंज कर रहा हूँ इधर। भाई बहुत लंबा पैदल चलना पड़ता है यहाँ पे, जगह आज मेरे को लग रहा है, क्योंकि मैं पहले भटक गया था, कहीं और ही पहुँच गया था। वो तो यार फर्स्ट टाइम है, क्या हो गया, हो जाती गलती, कोई नहीं। बट यार थोड़ा सा दिमाग काम नहीं कर रहा ना भाई, इतना कॉम्प्लिकेटेड काम था ना आज का। इंटरनल ऑडिट थी, उनका सॉफ्टवेयर तो कॉम्प्लिकेटेड है, उनका जो बिजनेस था ना कुछ बड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, तो उसी में से जो डॉक्यूमेंटेशन था ना उसको चेक करना बहुत मुश्किल है। मतलब नॉर्मल जब वॉचिंग करते हैं ना वो बहुत अलग है, और जो ये कर रहे थे बिल्कुल अलग है। तो भाई उसमें सब कुछ चेक करना होता है, सिस्टम से निकालो, जॉब वाइज सिस्टम से निकालो, फिर उसको मैच करो, फिर उसको टैक्स इनवॉइस से मैच करो, फिर जो टैक्स इनवॉइस उसका अमाउंट मैच करो पूरा, वो भी सिंगल सिंगल अमाउंट मैच करो, कैलकुलेशंस करो, बहुत थोड़ा डिफिकल्ट था भाई। देखना, अभी घर जाऊंगा, उसके बाद तबता हूँ और जिम भी जाऊंगा, वर्कआउट का भी थोड़ा सेशन ऐड करूंगा इसमें ब्लॉग में। फिटनेस ज़रूरी है यार, क्योंकि इतना ट्रैवल कर रहे हैं हम लोग, कुछ भी खा रहे होते हो रिट पे, तो वही फिटनेस ज़रूरी है। वर्कआउट करेंगे, इंटेंस करेंगे बिल्कुल। फाइनली गाइस वी आर बैक, जिम आ गए हैं और वर्कआउट फिर से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अब हम जा रहे हैं वहीं वगैरह पे, तो यार कुछ भी खाना हो जाता है वहाँ पे, अनहेल्दी फूड भी खा लेते हैं, तो हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखेंगे। अब वर्कआउट करेंगे वापस से प्रॉपर। फाइनली गाइज वर्कआउट डन हो गया है, लंच भी हो गया है, बस नाइट में वॉक करने निकला हूँ, सोने जाऊँगा इसके बाद। आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कल फिर से जाएंगे, देखते हैं आगे काम करेंगे उसी में, इंटरनल ऑडिट जो कर रहे हैं हम, देखते हैं कल कैसे जाता है। आज तो थोड़ा ब्रीफ मिला है कंपनी कैसे कैसे काम करती है, कल इसको इंटरनल कंट्रोल चेक करेंगे जाके। स्टे ट्यून्ड।